से काम लें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे इजाज़त दें कि मैं कह सकूं कि इन सितारों के बीच में एक आफ़ताब मौजूद है जो अपने आप में एक दबिस्तान है। आला तरीन अल्फाज उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनका अदब में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वसीम नादिर साहब बदायूं से आपके बीच में। हजरात, वक्त का मुझे पूरी तरीके से अंदाज़ा है। जिस तरीके से आपने शायरी सुनी है, बल्कि शायरी को ओढ़ लिया है आपने, तो ये जो नौजवान नस्ल है, जब इश्क के अशार पर उसके चेहरों पे चमक आती है, तो मैं देखना चाहता था कि इनकलाब के जज्बों के साथ उनके बाजुओं में फड़क भी पैदा होती है। वो आपने ये साबित करके दिखाया है कि ये नौजवान है, अगर इन नौजवानों की शिरकत ना हो तो दुनिया में कोई इनकलाब नहीं आ सकता। तो बहरहाल बहुत अच्छा माहौल आप हजरात ने बनाया। भाल मोहन पांडे की शायरी को सलाम, उनके नज़रिए को सलाम कि उन्होंने इस मुशायरे को कायम रखा। हालात बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। शऊर मंदी का तकाजा ये है कि हम बिगड़ते हुए हालात को अपने काबू में रखें और अपनी तहजीब के तकाज़ों पे खड़े रहें। ऑर्गेनाइज़र्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मुशायरे के अपने तकाज़े हैं। अक्ल कुछ और कहती है, दिल कुछ और कहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उम्र से 20 साल पहले चला जाऊं और ये शेर यहाँ से पढ़ूं कि हम बहुत देर में समझ पाए, हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी ज़रूरी था। हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी ज़रूरी था। हजरत आ जाइए उसी रंग में, गज़ल की उसी कैफियत में कि हमें बताओ ज़रा ये कमाल किसका है, हमें बताओ ज़रा ये कमाल किसका है, तुम्हारी शर्ट के कॉलर पे बाल किसका है। हमें बताओ ज़रा ये कमाल किसका है, तुम्हारी शर्ट के कॉलर पे बाल किसका है। मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी सी भावना श्रीवास्तव बैठी हैं, मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बनारस मुझे बुलाकर यकीनी तौर पर मुझ पर बड़ा एहसान किया कि मैं इन तमाम जिंदा दिल लोगों से मुलाकात कर सका। मैं एक मतला, मुझे पता है कि वक्त वाकई बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी से कुछ काम करता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ, ये जो सीनियर्स हमारे बैठे हैं इन्हें मैं जवानी की तरफ लाता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ कि इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे। वाह, इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे। और दरिया से फ़कत इसलिए रिश्ता है हमारा, दरिया से फ़कत इसलिए रिश्ता है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा, और तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। और बैठे हैं बहुत लोग, मैं तमाम स्टूडेंट के हवाले से BHU की नज़र करता हूँ ये शेर कि बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। क्या बात, क्या पेड़ से क्या कुछ बात? और ही रिश्ता है हमारा। एक मतला, एक दो शेर और सुन लीजिए। मतला अर्ज किया कि कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। क्या बात, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है, और तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कंधा बदलता है। वाह क्या बात। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कंधा बदलता है। और मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा। मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी आंखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मैं वो पागल नहीं हूँ रोज जो रास्ता बदलता है। और ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। और एक मतला और दो शेर आखिर में मतला अर्ज किया कि आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया, आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया, शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया, शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। और मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गया। वे मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के, वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गया। और कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को, कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को, महताब आसमां से हथेली पे आ गया। वसीम नादिर साहब, आप सुन रहे थे उनको, कमाल उन्होंने सुनाया, कमाल आपने सुना, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहरहाल वक्त का अपना मामला है, एक मतलब दो तीन शेर सुन लीजिए। आपने वो शायरी सुनी जो मैं आपको सुनाना चाहता था, अब वो शायरी सुन लीजिए जो मैं अपने लिए करता हूँ। मैं मतलब अर्ज करता हूँ कि उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। और तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ। और ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ।